शाह आलम गोरखपुर साहब, जिनका अभी चंद मिनट पहले तारुफ कराया गया था, हजरत आपसे मुअद्दबन दरख्वास्ती है कि सहाफ़त का आजकल मेयार क्या होना चाहिए और किस में किस सहाफ़त से हमें बचना चाहिए, मुख्तसर से अल्फाज में बताएँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन मोहतरम, मैंने जो ये आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत के तहत हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने एक बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या दर्ज किया है बुखारी शरीफ में। उसका मैं मुख्तसर सा ख़ुलासा सुनाता हूँ आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया गया कि अपने आशीरा, अपने मुआशरा, अपने अहले ख़ानदान, क़ुरबो जवार, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जब आप भेजे गए थे तो सब इसमें दाखिल हैं कि आप उन तक हक बात पहुँचाएँ और उन्हें इंसानियत की सलाह व फलाह किस चीज़ में है और किस तरह से इंसानियत की सलाह व फलाह तरक्की कर सकती है, आप वो बताएँ। इसके लिए जब अहकाम नाजिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज़ को अपनाया था वो वही चीज़ है जिसका नाम सहाफ़त से याद किया जाता है, जिसको सहाफ़त से याद किया जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इस दौर की सहाफ़त नहीं है, ये उस दौर की सहाफ़त है जिसमें खूबियाँ ही खूबियाँ थीं और ख़राबियों का कहीं से कहीं तक वजूद भी नहीं था। इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने की जो सबसे बुलंद तरीन सहाफ़त थी, यानी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का जो सबसे आला क्वालिटी का ज़रिया था, वो था कि पहाड़ के चोटी पर चढ़कर और लोगों को आवाज़ देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चढ़े और बाज़ाब्ता आवाज़ दी लोगों को और नाम ले लेके एक एक को आवाज़ दी। चुनांचे रिवायत में ये भी आता है कि इस तरह लोग जमा होने लगे और इस आवाज़ पर इस तरह लोग लब्बैक कहने लगे कि अगर कोई उनमें से आने के से माजूर था, मौके वारदात पर, मौका और महल पर पहुंच नहीं सकता था, तो उसने बाज़ाब्ता फबासा इलैही बासुन का लफ्ज़ आता है कि अपना एक नुमाइंदा भेजा कि जाओ, जाके अपने हालात को अपनी आँखों से मुशाहदा करो, अपने कानों से सुनो और आगे मुझे बताओ, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि जा सकें। चुनांचे लोग गए और नुमाइंदगी की और ये आवाज़ थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो पूरी दुनिया में पहुंची। ये तरीक़ेकार था सहाफ़त का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो पूरी दुनिया में राइज हुआ। मैंने ऐसा नहीं कि कोई नई बात कही है, आप बुखारी शरीफ की पूरी रवायत तफसील से उठा के देखेंगे, लंबा वाक़या, मैंने उसका इख्तसार आपके सामने जिक्र किया है। अब रही बात इस दौर में सहाफ़त, तो याद रखिए सहाफ़त जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वजूद बख्शा है वो आज भी ज़िंदा है और ताबिंदा है, और ऐसा नहीं है कि उसके शोशे गोशे मर गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ऐसा होता है कि मरूरे अय्याम की वजह से हालात गुज़रते जा रहे हैं और चूंकि हम क़यामत की तरफ अब करीब हो रहे हैं, क़यामत के का क़ुर्ब अब हमसे करीब हो रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपने ग़लत रवैयों, मनफी फ़िक्र, मनफी सोच, किसी दूसरे का कीचड़ उछालना, किसी की शख्सियत को दागदार करना, ग्रुप बाजी, यानी हक गोई और बेबाकी से कोसों दूर रहकर उन्होंने इसको बिजनेस बनाया और इसको सहाफ़त से मुतआरफ कराया। लेकिन याद रखिए, क़ुर्ब क़यामत तक जब हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीन बाकी रहेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाफ़त
खिलाफत को पहले दिन वजूद बख्शा है वो भी बाकी रहेगा और उसके हामिलीन भी बाकी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मौलाना बिलाल साहब की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ इस उनवान के तहत, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में ढूँढेंगे तो ऐसे तख़सीस नहीं मुस्लिम गैर मुस्लिम की, बेशुमार ऐसे सहाफ़ी मिलेंगे जो हक गोई और बेबाकी में अपना नमूना और अपनी मिसाल रखते हैं और दुनिया की अक़वाम ने उनकी कारकर्दगी को माना है। मौलाना बिलाल बिजरौलवी साहब की एक ख़ूबी इतनी ज़रूर है कि वह हमारे क़ुर्ब व जवार में दारुल उलूम देवबंद के नहज और मनहज पर चलकर अकाबिर के तर्ज़ो तरीक़ को अपना कर अपने सहाफ़त को फ़रोग देना चाहते हैं। अब इसमें ये कितना कामयाब है, मुस्तकबिल में कितना कामयाब रहेंगे, इसकी मैं पहले से कोई ख़बर नहीं दे सकता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आप ख़ुद इसकी शहादत और गवाही देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाफ़त को वजूद बख्शा है और वो आयत कुरानी के तहत इमाम बुखारी अलैहिर रहमान ने बाब बांध कर बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उस वाक़े का ज़िक्र किया है जिसमें बुनियादी तौर पर यह बात आया हो जाती है कि आपको जब अपने मुआशरे में अपनी बात फैलानी थी तो आपने उस ज़माने का सबसे आला क्वालिटी का जो ज़रिया था बात पहुँचाने का उसको अपनाया था। अब इस ज़माने में ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, व्हाट्सएप है, या आज जिस चैनल का इफ्तिताह किया जा रहा है न्यूज़ सोशल इंडिया न्यूज़ का इफ्तिताह किया जा रहा है, ये भी उसी कड़ी का एक सिलसिला है और कामयाब सिलसिला है। तो ये सिलसिले तो रहेंगे और बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मुसबत सहाफत जिसको आजकल मुसबत और मनफी में तब्दील किया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त में इसको वजूद बख्शा था तो ये दो किस्में नहीं थी, सहाफत नाम ही था मुसबत का, उसमें मनफी का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। आप सोचिए अगर रत्ती बराबर भी मनफी जिक्र होता या उसमें मनफी पहलू शामिल होता तो उस वक्त के जो सबसे बड़े सरगना थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के सदर जमहूरिया थे अबू जहल के मजमे में, तो वो अपने नुमाइंदों को ना भेजते, वो इत्मीनान कर लेते कि इसके अंदर एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, इम्कान निकाल लेते कि इसके अंदर मनफी पहलू भी हो सकता है, हम बाद में देख लेंगे। नहीं, उनको इतना एतमाद था, इतना यकीन था कि ये वो ज़रिया है कि जिसके अंदर शको शुबहे की गुंजाइश नहीं तो अपने वक्त का जो सरदार आज़म था, इस ज़माने में उसको प्राइम मिनिस्टर या सदर जमहूरिया कहेंगे, अगर वो नहीं आ सका तो अपने नुमाइंदे को भेजता है। इसका मतलब ये वाज़ेह होता है कि ये मुसबत ही के लिए वजूद में आया था और इंशाअल्लाह इसके हामिलीन कयामत तक पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे और अपने अपने कारनामे अंजाम देते रहेंगे। ये अलग बात है कि करगसों की दुनिया में कभी ऐसा होता है कि कोयल की आवाज़ दब जाती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि वो आवाज़ मादूम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन ये होगा तो उस दिन कयामत होगी, आप याद रखिए। आप आखिर ज़माने में जब आप करीब में जाएंगे तो देखें सहाफ़त उस वक्त में भी अपना लोहा मनवा रहा होगा और सहाफ़त यानी ज़रिया, ख़बर रसानी का ज़रिया उस वक्त में भी राइज होगा। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले की तारीख़ उठा कर देखें तो ख़बर रसानी के जो ज़राए थे उनकी अहमियत कुरान आयात और रिवायात की रोशनी में बहुत वाज़ह होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, हुदहुद को भेजा तो था, वो ख़बर रसानी का एक ज़रिया ही तो था। एक लम्बा वाक़िया है, मैंने इशारा कर दिया। मेरा तो कहना ये है कि आज ये एक मुबारक दिन है और एक मुबारक काम है, ज़िलहिज्जा की ये दूसरी तारीख है और मैं समझता हूँ कि अय्याम मुबारक हैं, ये काम मुबारक है, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा मौलाना बिलाल बिजरौलवी साहब को कि इन्होंने अपने रफ़क़ाए-कार के साथ, इनकी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, एक अच्छे अंदाज़ में, मुनासिब अंदाज़ में सहाफ़त को वजूद दिया है और खुदा करे कि ये उन लोगों में से हों जो मुसबत सहाफ़त के हामिलीन हों।